तो हमारा चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसकी ब्रांच है? तो फिजिक्स की ब्रांच, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी है, 12th में भी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज जो रहेंगे रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो जो चार्जेस रेस्ट हो गए, तो रेस्ट चार्ज की हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में फिजिक्स की, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। मतलब चार्जेस कैसे रहेंगे रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट रहेगा तो चार्ज क्या क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो डील करेगी किसके साथ में? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो चार्ज एट अ रेस्ट उसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब सवाल उठता है कि चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर की कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक। अब ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? तो जहां पे आकर सभी रिसर्च रुक जाते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि मास, अब मास के अंदर, मास बोला मैंने किसी बॉडी का मास, तो मास के अंदर और क्या हो सकता है? हम रिसर्च नहीं कर सकते, यहां आके रिसर्च रुक गया, मास मास है, मास के और क्या हो सकता है, और मास के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हो? नहीं। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि चार्ज, हाँ तो चार्ज चार्ज है, ठीक है, मास मास है, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसकी और में भी डेफिनेशन है, कि और भी डेफिनेशन कैसे करते हैं, उसके प्रॉपर्टी, चार्ज एक प्रॉपर्टी है इसकी, तो मटेरियल की, मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी। अबे चार्ज आता कैसे है? तो आप किसी बॉडी को रब करना, एक बलून लेना, बलून को रब करोगे, सब बलून को रब करोगे, सर से बोलोगे या कपड़े से रब करोगे, कपड़े से रब करोगे, और कागज के टुकड़े रखना और ऐसा बलून पकड़ कर रखना, तो वो कागज के टुकड़े बलून को चिपक जाएंगे। तो बलून को मैंने कपड़े पे, सिल्क पर रब किया, तो बलून में क्या आ गई? प्रॉपर्टी आ गई, मतलब चार्ज क्रिएट हो गया। तो चार्ज क्रिएट हो गया यानी क्या हो गया? वो चार्ज इस कागज के पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, मतलब उनको खींच रहा है अपने तरफ। तो व्हाट इज मीन बाय चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा अदर बॉडी। इसके और में भी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? द प्रॉपर्टी ऑफ, और में डेफिनेशन, ठीक है, द प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोला मैंने? चार्ज इज द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी विच एग्जर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर क्या बोला मैंने? रिपल्शन ऑन द अदर बॉडी है मटेरियल, अदर बॉडी, या चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल सकते हो, मटेरियल बॉडी की जगह विच एक्सर्ट, मटेरियल बॉडी की जगह आप मैटर भी ले सकते हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर मैटर, ओके, अदर मैटर के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि बलून इज वन ऑफ द मैटर, व्हेन आई रब देन चार्ज क्रिएटेड ऑन बलून एंड दिस बलून एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मैटर, दैट्स अ पीसेस ऑफ पेपर, पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रहा है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। तो बलून के ऊपर क्या है? एक्चुअली चार्ज है, चार्ज आना एक प्रॉपर्टी है जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। चार्ज को हम देख नहीं सकते, हमने चार्ज को भी दिखा नहीं है, ठीक है, तो ओके समझ में आ गया, चार्ज एक प्रॉपर्टी मैटर की विच एग्जर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑन अदर मैटर। अब चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? द चार्ज इज डिनोटेड बाय, द चार्ज, जो चार्ज होता है इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल क्यू बोलो या स्मॉल क्यू बोलो। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इट्स ऐसा यूनिट, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज कूलम होता है, कूलम, CoulombL, इसका जो ऐसा यूनिट होता है कूलम, कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज सबको समझ में आ रही है। अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूछ रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा। ओके, तो अभी बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मैटर, चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बोलो, हमने डिफरेंस किसमें, इन चार्ज, डिफरेंस चार्ज एंड मास, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चार्ज एक तरफ चार्ज लिखेंगे, एक तरफ मास लिखेंगे, ठीक है, मास और एक तरफ चार्ज लिखेंगे, ठीक है। तो चार्ज इज ऑल्सो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, मास इज ऑल्सो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ी डिफरेंस हुआ। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी, ये थोड़ी डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ठीक है, चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया नहीं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, याद रखना। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, लाइक चार्ज बोलते हैं उनको, और अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, याद रखना। तो चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी, चार्ज हैव टू टाइप्स, चार्ज आर पॉजिटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी बोलेंगे 5 किलो, +5 किलो, -5 किलो कभी नहीं बोलेंगे, 10 किलो बोलेंगे, -10 किलो कभी नहीं बोलेंगे। तो मास, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मास ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी, मास इज ओनली, मास इज ओनली कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये समझ में आ गया सब लोगों को। ओके, दूसरी चीज, चार्ज की वजह से जो फोर्स आता है, तो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकता है, रिपल्सन भी लगा सकता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन। तो चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, लेकिन मास ओनली अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो फोर्स आता है वो कौन सा फोर्स होता है, कूलम फोर्स, चार्ज की वजह से कूलम फोर्स आता है, चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स आता है, कूलम फोर्स। ये बात कूलम ने बताया, ठीक है। दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम कूलम फोर्स बोलते हैं, और इसमें कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताओ मतलब फोर्स ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन, क्या बोला मैंने, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव, एक तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन दिखता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस, 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 ठीक है, देखिए नाउ लिसन, तो फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स जो रहता है बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मास के बीच का फोर्स जो होता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तो चार्ज के यूनिट कूलम होता है और मास के यूनिट किलोग्राम होता है, द यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ चार्ज
चार्ज का जो यूनिट होता है इज कूलम्ब, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम्ब, और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट, द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, किलोग्राम केजी, ओके। ये बात हम कौन सी यूनिट की कर रहे हैं, एसआई, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, एसआई यूनिट की, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एसआई यूनिट, ठीक है। अब बताओ और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चार्ज जो होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज, चार्ज डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड होता है, मास स्पीड के हिसाब से चेंज होता है, कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बढ़ जाएगी उसका मास ज्यादा कम ज्यादा हो जाएगा, तो मास जो होता है, मास, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड, और इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था स्पीड का, मास, मास जिस पर डिपेंड होता है स्पीड, तो मास का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मास का फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया लाइट की स्पीड, ओके, मास की, मास का जो फार्मूला बताया था स्पीड के फॉर्म में, स्पीड के फॉर्म में, हाँ, तो मास जो होता है, तो पहले का मास क्या रहा होगा, उसका ओरिजिनल मास क्या रहा होगा, एम ओ, ये इसका ओरिजिनल मास होगा, जो एम ओ था, एम नॉट है, ये उसका ओरिजिनल मास है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन में स्पीड आ जाएगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या है, एम नॉट अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फार्मूला है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं इधर, ये फार्मूला इधर लिख रहा हूं, ठीक है, जो मास, जो ये जो पॉइंट है इसका फार्मूला, मास जो होता है वो, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल मास क्या होगा, चार्ज का ओरिजिनल मास, इलेक्ट्रॉन बोलो प्रोटॉन बोलो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल मास एम नॉट था, लेकिन जैसे ही वो स्पीड वी के साथ में मूव करता है, वेलोसिटी वी, लाइट की स्पीड की बात, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आपका ओरिजिनल मास का क्या फार्मूला है, सॉरी मास का फार्मूला है, तो मास स्पीड पे डिपेंड होगा, जितने ज्यादा स्पीड से भागेगा उतना मास कम या ज्यादा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो मास स्पीड के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ठीक है, तो ये चार डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया, ओके। अब बताओ चार्ज, इसी तो हो गया चार्ज के बारे में, ठीक है, अब बताओ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है, तो पहली प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये तो पहली है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और चार्ज लाइक चार्जेस जो करते, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते, अट्रैक्ट करते, सॉरी रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते, अट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते, रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर, वाई इसके अलावा अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते एक दूसरे को इच अदर, ये सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज कैसे होते हैं, क्वांटाइज होते, चार्ज कैसे होते हैं, क्वांटाइज होते, याद रखना, वो तो बात की, बात की प्रॉपर्टी, वो थर्ड नंबर पे देखेंगे, चार्ज क्या होते हैं, आर कंजर्व्ड, चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्व्ड होते, चार्ज जो होते हैं, चार्ज जो होते हैं, चार्ज आर कंजर्व्ड, आर कंजर्व्ड, कंजर्व्ड क्या चीज, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल चार्जेस ऑफ अ सिस्टम आर आइसोलेटेड सिस्टम आर कॉन्स्टेंट, मतलब चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे आर कंजर्व्ड, मतलब चार्ज जो होते हैं कंजर्व होते, दैट इज कॉन्स्टेंट, चार्ज आर कंजर्व्ड होते, दैट इज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये आप लोगों को याद रखना है, चार्ज मतलब ट्रांसफर्ड होते वन बॉडी टू अनदर, ओके, मतलब चार्ज आर कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे ट्रांसफर ओनली, दे ट्रांसफर ओनली, ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी,
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, याद रखना, ट्रांसफर होते हैं, क्रिएट नहीं होते, चार्ज को हम क्रिएट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब होता है चार्ज, टोटल चार्जेस, दैट इज टोटल चार्जेस, जो टोटल चार्जेस होते हैं, टोटल चार्जेस किसके, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो कैसे होते हैं, आर कॉन्स्टेंट होते, कॉन्स्टेंट होते, ये बात है। टोटल चार्जेस जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, वो कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट। उसको समझने तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक कोई सिस्टम होगी जिसमें कोई चार्ज प्लस दो कूलम, माइनस वन कूलम और प्लस थ्री कूलम, एक सिस्टम होगी। इसके पास में मैंने कोई एक बॉडी रख दिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएंगे, तो इस पर चार्ज आ जाएगा मान लो प्लस वन कूलम, ठीक है, प्लस वन कूलम, प्लस वन कूलम, प्लस मान लो कितना कूलम, मान लो टू कूलम, तो बताओ तीसरा जो चार्ज आएगा वो कितना कूलम होगा, वो आपको निकालना है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे टोटल चार्जेस कैसे होते, कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे जितने चार्जेस होंगे वही चार्जेस यहाँ पे होना चाहिए, तो तीन और दो पांच, पांच में से एक गया चार, यहाँ पे भी चार आना चाहिए, मतलब एक कूलम, दो कूलम, और तीसरा कितने कूलम करेगा, वन कूलम का चलाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल चार्जेस इस, ये जब दोनों को मिक्सअप कर दिया मैंने, एक बॉडी है जिसमें कुछ चार्ज है, तो इसको जब मिक्सअप करूंगा इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस आएंगे, तो इसमें वन कूलम आएगा, दो कूलम, ये कितना कूलम, मैंने निकालो बोला, तो आपको पता टोटल चार्जेस कैसे होते, कॉन्स्टेंट, इधर जितने चार्जेस होंगे उतने चार्जेस इधर होना चाहिए, इधर कितना कूलम है, दो कूलम, तीन कूलम, और माइनस कितना कूलम, वन कूलम, इधर भी उतने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये कितने, दो और तीन पांच, अपने से दिया चार, इधर भी चार होना चाहिए, एक वन कूलम, ये हमको पता है, ये दो कूलम, ये कितना रहेगा, मिसिंग वन, वन कूलम, ये हमको नहीं पता, तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर के चार्जेस और इधर के चार्जेस दोनों बराबर के होते हैं, तो ये कितना आना चाहिए, वन कूलम आना चाहिए, 100% आएगा, तीन और दो पांच, पांच में से एक गया चार कूलम, और ये कितना कूलम, तीन कूलम, बस कुछ ऐसा का वैसा, ये हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो क्या होगा, फोर कूलम माइनस कितना होगा, थ्री कूलम इज इक्वल टू क्यू, तो चार कूलम से तीन कूलम, देखो वन कूलम आया कि नहीं, हाँ मतलब ये वन कूलम का होगा, मतलब इधर के टोटल चार्जेस चार कूलम, यहाँ के भी टोटल चार्जेस चार कूलम, तो टोटल जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो चार्ज आर कंट्रोल्ड, सेकंड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं, कंजर्व होते का मतलब दैट इज चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन मनली, दे कैन मनली ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज टोटल चार्जेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ये जब आइसोलेटेड रहेगी, आइसोलेटेड रहेगी तो वो कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट, मतलब इसके चार्जेस और इसके चार्जेस इक्वल रहेंगे, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फिर तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो चार्ज जो होते हैं ना क्वांटाइज होते हैं, याद रखना, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज, चार्जेस आर क्वांटाइज, तो ये जो चार्ज जो होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज आर क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज आर, मैंने बोला चार्ज कैसे होते हैं, आर क्वांटाइज प्रॉपर्टी, क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, दैट इज क्वांटाइज का मतलब, देखो क्वांटाइज का मतलब होते हैं चार्ज जो ट्रांसफर होते हैं वो फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं, मैंने बोला ना चार्ज क्रिएट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे ओनली ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं, मतलब ट्रांसफर कैसे होते हैं, ट्रांसफर जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट, कौन सा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, तो चार्ज क्वांटाइज होते हैं, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, दैट इज, इसका मतलब इस क्या होता है, दे ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर कौन होता है, ओनली चार्ज, जो चार्ज ट्रांसफर होता है, तो चार्ज कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन हेवी होता है, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन ऑर्बिटल बॉन्डेड होता है, तो ओनली ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है, जो इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से चार्ज आता है, अगर ये इसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन चले गए किसी दूसरे मैटर के ऊपर, पहले ये मैटर भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये भी क्या है, न्यूट्रल है,
क्यों? क्योंकि जितने इसमें प्रोटॉन है उतने उसके इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें 11 प्रोटॉन हो गए तो 11 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। या 13 प्रोटॉन हो गए, 13 पढ़ो तो 13 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गेटिंग में पॉइंट। तो उसी तरह यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जब दे देगा इसमें तीन एक्स्ट्रा के पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसने तीन इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें एक्स्ट्रा के क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। क्योंकि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव, 13 में से 10 क्या बचेगी? प्लस 3 बचेगी। हाँ तो प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, और इसमें प्लस 3 सॉरी माइनस 3 या नेगेटिव चार्ज आएंगे क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए उसमें। उसने लिया तो नेगेटिव, इसने दिया तो इसपे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन आने, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कभी ढाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, प्लस माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज इसका मतलब क्या होगा? मतलब चार्ज जो ट्रांसफर होगा तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या? प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्ज ट्रांसफर होगा। इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस यानी, अरे प्लस माइनस क्या यानी? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इंटीग्रल मल्टीपल बोला तो इंटीग्रल देखो प्लस माइनस 1 इंटीग्रल इंटीजर नंबर है। तो चार्ज कैसे होते? क्वांटाइज होते, क्वांटाइज यानी फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं। चार्ज और क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब जो ट्रांसफर होती है फिक्स्ड अमाउंट में, फर्स्ट फिक्स्ड अमाउंट बोला तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल, मतलब चार्ज नेवर ट्रांसफर, याद रखना। द चार्ज जो होते हैं चार्ज नेवर ट्रांसफर, याद रखना, नेवर ट्रांसफर, कभी ट्रांसफर नहीं होगी, नेवर ट्रांसफर इन फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन क्या बोला मैंने? इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का समझते हैं? फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दैट इज, इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे चार्ज नेवर, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एग्जांपल के तौर पे, प्लस माइनस 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। 1/2 का मतलब 0.5, समझ में आएगा? 3/2 कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, प्लस माइनस 3/2 में इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। 3/2 का मतलब 1.5, डेढ़ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। अबे बात समझ में आ रही है? तो चार्ज नेवर ट्रांसफर इन फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज इसका मतलब ऐसे कभी ट्रांसफर नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही क्या? ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में। ओके, तो वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, तो वे बोला मैंने, वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या फिर चार्जेस को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो पहली है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक कंडक्टर रखेंगे, ये कंडक्टर अभी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर, अभी यह न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ न्यूट्रल कंडक्टर है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई, उतने ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसके पास में मैं एक कंडक्टर रख दूंगा, ये कंडक्टर होगा जिसमें क्या होगे, पॉजिटिव चार्ज होगे कि नेगेटिव चार्ज होगे, नेगेटिव चार्ज होगे। मान लो ये कंडक्टर है, ये इतना इंसुलेटर से कनेक्टेड है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या? चार्ज कंडक्टर है, ये फिलहाल के लिए कौन सा कंडक्टर है? चार्ज कंडक्टर। ये कैसा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। तो इसमें चार्ज क्रिएट करना है, तो इसको इसको टच करूंगा, इसको इससे क्या करा दूंगा? टच करा दूंगा तो क्या होगा? देखो ये चार्ज कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको इसमें कनेक्ट करूंगा, जब इसमें कनेक्ट करूंगा ये बन जाएगा न्यूट्रल, ये कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल कंडक्टर बन जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो कितने चार्ज आ जाएंगे? कितने चार्ज आ जाएंगे? तो तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इसमें तीन नेगेटिव चार्ज। बोलो क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल था, ये भी क्या था? न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, तो जैसे ही टच किया मैंने तो इस पे तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, मतलब तीन एक्स्ट्रा के चार्ज हो जाएंगे ना। वो तो ये इक्वल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखूंगा नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी न्यूट्रल कंडक्टर है, ये भी कैसा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर है,
लेकिन इसको मैंने चार्ज कंडक्टर लगा तो इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, चार्ज कंडक्टर हो जाएगा। ओके, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो इसको न्यूट्रल मानो, इसको न्यूट्रल कंडक्टर भी मान सकते हो, इसको न्यूट्रल कंडक्टर मान लो और ये आपका चार्ज कंडक्टर मान लो, इसमें कुछ चार्ज है, इसमें क्या है, कुछ चार्ज है, ये आपका कौन सा कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर। जैसे इसको मैंने टच कर दिया तो इसमें कुछ चार्ज आ गए और इसमें भी कुछ बचे, कुछ चार्ज रहेंगे दो, समझा क्या, या मान लो इसमें तीन चार्ज आ गए, तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, तो ये आपका कौन सा कंडक्टर हो जाएगा, चार्ज कंडक्टर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, चार्ज कंडक्टर हो जाएगा, चार्ज इसमें तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये चार्ज अभी इसमें तीन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इस पे बच रहा है, कभी हो सकता है कि इसमें दो और इसमें दो इक्वल अमाउंट में भी ट्रांसफर, इक्वल अमाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिपेंड है मेटल के नेचर के ऊपर, तो मेटल किस टाइप का है। तो आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है, तो ये चार्जेस इसमें आ जाएंगे। तो चार्ज बाय चार्जिंग बाय कंडक्टर में यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे चार्ज जो होता है, चार्ज चार्ज जो होता है, चार्ज चार्ज प्रोड्यूस या अराइजेस, प्रोड्यूस प्रोड्यूस ऑन किसके ऊपर है, कंडक्टर के ऊपर, बाय किसके ऊपर, इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर, बाय कॉन्टेक्ट विथ, कैसे कॉन्टेक्ट विथ किसके साथ में, चार्ज कंडक्टर, बाय कॉन्टेक्ट विथ चार्ज कंडक्टर, और इसी को क्या बोलते हैं, इच कॉज चार्जिंग बाय क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रल कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर ये आपका न्यूट्रल कंडक्टर हो गया, तो न्यूट्रल कंडक्टर को क्या करना है, चार्ज कंडक्टर से क्या करना है, कॉन्टेक्ट करवाना है, इसके ऊपर के चार्ज इसमें आ जाएंगे, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज यहाँ कंडक्ट हो गए, यहाँ आ गए, इसके लिए टच करवाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करवाना पड़ेगा। फिर है दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या बता करना पड़ता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, तो आपके आपके पास में एक कंडक्टर रहेगा जिसमें कुछ बराबरी के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेंगे, तो ये भी न्यूट्रल कंडक्टर है, ये कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, जब ये कैसा कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर था, अब इसके पास में मैंने कंडक्टर रख दिया जो चार्ज है जिसमें कुछ निगेटिव चार्ज है, और इसको मैंने टच नहीं करवाया, टच करवाया हो क्या, ये कैसा कंडक्टर है बोलो, चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने टच नहीं करवाया, बस इसको मैंने इसके पास में रख दिया, तो पास में रखूंगा तो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को पकड़ के रखेंगे, पॉजिटिव को खींच के रखेंगे अपने तरफ और निगेटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो उनको कहां जाएंगे, तो अर्थ में, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जमीन माता धरती माता उन निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगी, तो इसके ऊपर आफ्टर दैट इस पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। अरे बात समझ में आ रही क्या, फिर से रिपीट करो कि ये जो चार्ज कंडक्टर को मैंने कॉन्टेक्ट नहीं करवाया, इसके पास में पकड़ के रखा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो धक्का देखिए कहां चलेंगे, अर्थ में चल जाएंगे, तो यहाँ पे चार्जिंग प्रोड्यूस की जाती है विदाउट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ क्या कुछ, ये विदाउट कॉन्टेक्ट की वजह से ट्रांसफर हुआ, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस, याद रखना चार्जिंग बाय, थर्ड नंबर जो है भैया, तो चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, रबिंग प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, दो इंसुलेटर लेना पड़ता है, ये आपके दो इंसुलेटर है, या ये मेरा कपड़ा जो है सिल्क, ये भी एक इंसुलेटर है, इसको मैं टच करूंगा, ये रब किया इसमें चार्ज आ गए, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आए कि नेगेटिव चार्ज आए, वो डिपेंड है कि किस टाइप के मटेरियल से आप रब कर रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, पीसेस के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट लग करेगा, ये जब मैं इसको अपने हाथ में पीस रखूंगा, पेपर के पीसेस उनको खींचेगा अपने तरफ, तो खींचेगा मतलब क्या हुआ, इसमें चार्ज क्रिएट हुआ। तो वेन दो इंसुलेटर, जब क्या किया जाता है, दो इंसुलेटर क्या किए जाते हैं, आर रब विच, कैसे विच इच अदर, जब दो इंसुलेटर क्या होते हैं, रब होते हैं, चार्ज आर प्रोड्यूस, तब क्या होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस ऑन द किसके ऊपर, ऑन द इंसुलेटर, उन इंसुलेटर के ऊपर, ऑन द इंसुलेटर, इंसुलेटर के ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर रबिंग प्रोसेस से चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक कौन सी, कंडक्शन विद कॉन्टैक्ट, इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट, और एक चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस। ओके सर, तो मैंने अभी बताया रबिंग प्रोसेस से दो कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो क्यों आता है, बस दो इंसुलेटर, ये मेरे पास दो इंसुलेटर है, इनको मैं जब रब करता हूं तो यहाँ पे हीट एनर्जी पैदा होती है। कौन सी एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल जाती है ना, वो उत्साहित हो जाता है एनर्जी, और एक्साइटेड हो जाता है कि अब मैं फ्री हो गया, मेरे को एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई, मैं यहां से निकल कर यहां कूद जाता हूं ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां कूद जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन कूद गए इधर, तो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है कि नहीं आएंगे, और इसमें दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आई क्या? हाँ, तो जब एनर्जी, हीट एनर्जी जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी मिलकर खुश हो जाते हैं, कूद जाते हैं उधर। तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन इधर कूदेंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर कूदेंगे, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंसुलेटर विच आर रब, जिनको हमने क्या किए, रब किए। ओके 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 थोड़ा सा, हाँ तो बताओ, अब बता रहा हूँ लास्ट लास्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नाउ लिसन, ठीक है अभी ध्यान से सुन, तो मैं बात कर रहा हूँ अभी कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, छोटी ध्यान अच्छे से, कूलम्स बाबा क्या बोलता है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ, CoULOMB, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने क्या किया, दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा, ये लाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज भी हो सकते हैं, लाइक चार्जेस है। तो दो लॉ, दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, परमिटिविटी याद रख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये मीडियम की परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, जो परमिशन देगी, तो भैया परमिट देगा कि तुम फोर्स लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, जितनी ज्यादा परमिटिविटी रहेगी। बोलते ना, हमको नागपुर जाना है या बैंगलोर जाना है, कहीं भी जाना है, हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, कहीं भी जाना है, हम गाड़ी का परमिट बनाते हैं, और जितना ज्यादा परमिट बनता है ना, हमारा मूड खराब होता है, उतना मूड खराब होता है, जाने की इच्छा नहीं होती, चालान परमिट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उत्साह कम हो जाता है। तो वैसे जितनी ज्यादा मीडियम की परमिटिविटी रहेगी उतना फोर्स कम हो जाएगी, जितनी कम परमिटिविटी रहेगी उतना चार्जेस ज्यादा उत्साहित हो गए, उतने ज्यादा वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी होगा। तो इन दो चार्ज के, कूलम्स बोलता है कि दो चार्ज के बीच में, दो चार्जेस जो आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा, अब दो चार्जेस लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को। ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही फोर्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनवर्सली 1/4πε0, याद होगा इस कॉन्सेप्ट को। तो ये बात के बाद का मैटर है, अभी फिलहाल के लिए याद रखना प्रोपोर्शनलिटी, दोनों को कंबाइन करो, Q1 Q2 / R2, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाओ, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 / R2, तो K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है, इसके की वैल्यू एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है, कि मीडियम क्या है, एयर है कि क्या है। तो देयरफॉर क्या होगा, इस के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, ओनली एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी, वेयर एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी जो होती है वो किसकी होती है, मीडियम की होती है। ओके, तो ये वैल्यू यहां डाल दो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दो चार फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 / R2, ये आपके फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपके फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ये डायरेक्टली फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को,
तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, दोनों को कंबाइन किया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा तो कांस्टेंट लगा, ये कांस्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। तो उस के की और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 epsilon, वेयर epsilon क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए ये के जो होता है, के फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू क्या होती है 1/4 epsilon, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। सॉरी यूनिट क्या होगा के का, न्यूटन नहीं होगा, ये के के यूनिट जो होता है फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, चार चार कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। देखो के का फॉर्मूला जो बनेगा बेटा के, तो के का फॉर्मूला होगा एफ आर का स्क्वायर होगा अपॉन में क्यू वन क्यू टू होगा कि नहीं होगा, फोर्स का न्यूटन ये मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट होता है ठीक है। तो ये एयर के लिए, तो देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 epsilon₀ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू होती है, आपको याद रखना फ्री स्पेस के लिए। और इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट है इसी तरह से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर क्या बोला मैंने, रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, और रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रिपल्सन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली बोला मैंने, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इस तरह से इन दोनों के बीच का, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्सन ठीक है। ये फोर्स उसको इस तरफ लगाएगा, ये फोर्स जो लगाएगा ये इस तरफ लगाएगा, और ये जो फोर्स है ये उसको इस तरफ लगाएगा, दोनों रिपल्सन, रिपल्सिव कर रहे हैं, ये फोर्स, ये चार्ज इसके ऊपर उस तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस फोर्स, इस चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होता है ये आपको मैंने डेरिवेशन बता दिया अच्छे से, अरे अच्छे से बताया कि नहीं बताया, एक बार रिवीजन देख लो अच्छे से बिल्कुल। प्रपोज के परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, सॉरी के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू 1/4 epsilon, इसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फ्री स्पेस के लिए के जगह epsilon नॉट आता है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये कैसी आती है, तो पाई की वैल्यू पुट करते, epsilon की वैल्यू पुट करते, और निकालने का तरीका अलग है, आप बस फिलहाल के लिए याद रखो इतना। फिर 1/4 epsilon ये आने चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में है, तो अब बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो कुछ नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को म्यू नॉट बोलते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अरे ये तो डेफिनेशन बताया था, द रेशियो ऑफ, बोला था ना, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसके रेशियो को इच को, इच को रिलेटिव परमिटिविटी, इसको दूसरा नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा नाम क्या है रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको के भी बोलते हैं, वो के कूलम, कूलम कांस्टेंट है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन आर एन एच के, के एन एच परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा हो। अब बताओ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला, अब जिसको फोर्स के फॉर्म में लाना है, तो नाउ जब दो चार्ज को कहाँ रखोगे, मीडियम में रखोगे, व्हेन पहले चार्ज, व्हेन टू चार्जेस, जब दो चार्जेस, व्हेन टू चार्जेस, टू चार्जेस, टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, प्लेस्ड इन मीडियम, मीडियम देन फोर्स बिटवीन दे, उनके बीच का जो फोर्स रहेगा, फोर्स बिटवीन दे, फोर्स बिटवीन दे क्या हो जाएगा, फोर्स उनके बीच का एफ इक्वल टू 1/4 epsilon, नॉट नहीं आएगा,
इस इक्वेशन में फर्स्ट दे देते हैं क्यू वन क्यू टू अपान में क्या होगा आर का स्क्वायर, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी, क्यू वन क्यू टू अपान में एफ आर होगा, ठीक है, मीडियम का है तो मीडियम लिखो, मीडियम लिखो यहाँ पे, मीडियम लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अरे होगा ना मेरे भाई लोग। इसके बाद में क्या होगा, वेन जब दो चार्जेस, जब दो चार्जेस वेन टू चार्जेस वेन टू सेम चार्जेस वही सेम चार्जेस वही दो सेम चार्जेस आर प्लेस्ड का में इन अ फ्री स्पेस, इनका में देन फोर्स बिटवीन देन उनके बीच का फोर्स जो रहेगा फोर्स बिटवीन देन, तब उनके बीच का जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट क्यों निकाल लो, अरे एप्सिलॉन नॉट क्यों निकाल लो, एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू, एप्सिलॉन एम की वैल्यू, एप्सिलॉन एम की वैल्यू, ताकि ये वैल्यू यहां डाल सको, ये वैल्यू यहां डाल सको, फोर्स के बारे में आंसर ला सको, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/4 क्यू वन क्यू टू, ये फ्री स्पेस का इसलिए एफ नॉट लिखा, नहीं समझा क्या, एफ नॉट क्यों लिखा समझा ना, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा ना, अब बताओ हमको क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एम बाय ई नॉट होता है, ई एम की वैल्यू क्या ही है, दिखा ई है 1/4 बोलो और डिवाइड में ऐसा लिख सकता भागी लो सेवन लिख सकते हो, देख सकते हो ना, और एप्सिलॉन नॉट क्या लोगे 1/4 अब इसको इंटू में जब कन्वर्ट करूंगा मेरे भाई लोग, पता है क्या आप लोग, जब इंटू में कन्वर्ट करूंगा नीचे वाला ऊपर जाता, पता है क्या, पता है क्या, एफ नॉट आर का स्क्वायर अपॉन में क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू से क्यू वन क्यू टू कैंसिल, 4/5 से 4/5 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो एफ नॉट और यहाँ पे एफ आर का स्क्वायर था ये मीडियम वाला, ठीक है, अरे दाना देखना एफ ऊपर आएगा, ये हो गया आपका ई आर और के का फार्मूला, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दो फार्मूले है, अरे दो फार्मूले है ना, दो फार्मूले मीडियम, तो आप देखो ये मीडियम, अरे फ्री स्पेस परमिटिविटी के फॉर्म में मीडियम ऊपर फ्री स्पेस नीचे, फोर्स के सामने फ्री स्पेस वाला फोर्स ऊपर मीडियम वाला फोर्स नीचे, कैसे आया उसकी कहानी ये है कि भैया अपने दो चार्ज को मीडियम में रखे 1/4 एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाले इंटीग्रल से डिवाइड में, ये एम वाला होगा, ठीक है, फिर जब दो दो सेम चार्जेस को फ्री स्पेस में रखे तब फोर्स एफ नॉट आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर का स्क्वायर, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाला, एफ नॉट यहाँ चला गया, अब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया एम बाई नॉट, तो ई एम की वैल्यू लिखा डिवाइड डिवाइड, ठीक है 1/4 तो जब इंटू में कन्वर्ट किया नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो क्यू वन ये कैंसिल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से 4/5 ये 4/8 नीचे, तो ये था किसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, और इसके और एक बात, इसके कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट डायमेंशन, बिकॉज क्यू रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ये भी रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ये भी एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, तो ना कहते इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इसलिए इसके यूनिट, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, बिकॉज बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, ठीक है, ओके, अब बता रहा हूँ, तो बताओ अब बात करूंगा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, अब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब फोर्स, मैंने बोला कूलम्ब फोर्स किसके फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ये बड़ा आसान सा पंडा भैया, कि दो चार्ज लाइक चार्ज या लाइक चार्ज, तो मैं लाइक चार्ज की बात कर रहा हूँ, दो चार्ज ये क्यू वन और क्यू टू, अरे दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जब दो चार्ज किसी मीडियम में रखूंगा जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है फोर्स लगेगा, लेकिन मुझे वो फोर्स किसके फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म, अभी तक के जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया वो सब क्या था, मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म नहीं था, स्केलर वेक्टर में आप देखोगे कि क्या होता है वेक्टर करके, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो
फोर्स किसके ऊपर? सेकंड के ऊपर लगा रहा कौन है? वन। फोर्स किसके ऊपर? सेकंड के ऊपर लगा रहा है कौन? वन। और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा भैया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर जो भी होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स किसके ऊपर? फर्स्ट के ऊपर लगा कौन रहा है? सेकंड। ये ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो जब चार्ज सेकंड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, देखो उस फोर्स लगाते 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 कर देना। तो बताओ डिस्टेंस आर कहां से स्टार्ट हुआ? टू से स्टार्ट हो रहा है, वन तक जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कहां से हो रहा है? टू से लेकर वन तक। ओके ओके, और आपको मैंने बोला फुल वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो फुल वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते याद रहे, तो बताया था। तो इस आर ट्वेंटी वन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर टू वन की क्या, आर टू वन की क्या होगी, ये आप लोगों को बताया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर ट्वेंटी वन, ये जस्ट मैग्नीट्यूड होगा, समझ में आएगा, आर ट्वेंटी मैग्नीट्यूड होगा। तो बताओ एफ ट्वेल्व क्या है? एफ ट्वेल्व क्या है? तो फोर्स इसके ऊपर अनचार्ज क्यू वन ड्यू टू किसकी वजह से? फिर से रिपीट करो, ये फोर्स किसके ऊपर? फर्स्ट के ऊपर। किसकी वजह से? सेकंड के ऊपर। तो इसने फोर्स जो लगाया उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? r21, उसे लेकर बनता पूरा वेक्टर। तो r21 का वेक्टर जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 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 ऑफ फोर्स, F12 का वेक्टर फ्रॉम कहां से? Q2 टू टू क्यू टू टू इसलिए 21 है। और R21 का क्या, ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम कहां से? पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू से Q1। यूनिट वेक्टर मतलब समझता है क्या? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था ना, ये आपका R21 ये पूल वेक्टर है, मानते हो इसके, ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ, इधर से इधर है ना, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हो रहा है। इसके बराबर के कितने टुकड़े करोगे? जितने भी तो बराबर के टुकड़े करोगे, उसमें से एक टुकड़ा है क्या कहलाता है? उसका यूनिट वेक्टर, उसको आर ट्वेंटी वन के क्या लिखते हैं? बोला था ना भाई, तो मतलब देर पर मतलब फोर्स जो लगेगा, फोर्स एफ कितना? ट्वेल्व का वेक्टर, तो क्या होगा? वन बाय फोर पाय एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू, मतलब फ्री स्पेस में रखते दो चार्ज को, तो क्यू वन क्यू टू, आर कितना होगा? ट्वेंटी वन, उसका स्क्वायर होगा। तो बताओ ये स्क्वायर के समय आर ट्वेंटी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस कितना है? 21 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, लेकिन ये अभी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पूरी अभी कौन सी क्वांटिटी? मैग्नीट्यूड है, और मुझे क्या में लिखना है? वेक्टर में लिखना है। इसका यूनिट वेक्टर आर ट्वेंटी वन की क्या, ये होता है वेक्टर फॉर्म। यही आपका कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है ये आपका वेक्टर फॉर्म, अच्छे से याद करना वेक्टर फॉर्म। फिर बताओ इन्हीं दो चार्ज को, अब यही दो चार्ज, ध्यान दो, अभी बात किसकी करो, अभी बात किसकी करो, अब फोर्स किस पे लगेगा? फोर्स किस पे लगेगा? सेकंड वाले के ऊपर। फोर्स किसके ऊपर लगेगा? एफ ट्वेल्व, एफ ट्वेंटी वन का वेक्टर नहीं क्या ये? फोर्स किसके ऊपर? फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू, ड्यू टू किसकी वजह से? हाँ, अब बात करूंगा, अभी क्यू वन फोर्स लगाएगा, क्यू वन इस तरफ फोर्स लगाएगा, समझा क्या मतलब? ये होगा आर, मतलब क्यू वन टू की तरफ जा रहा है, वन टू के तरफ जा रहा है, समझा क्या? समझा क्या? तो उस समय फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू क्यू वन, ये एफ ट्वेल्व का वेक्टर मतलब आर ट्वेल्व का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं क्या बोला था मैंने? डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ ट्वेल्व फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम कहां से? क्यू वन टू क्यू टू, समझा? और यूनिट वेक्टर आर ट्वेल्व का क्या क्या होगी? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम फुल वेक्टर होगा। फुल वेक्टर निकालने के लिए इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स बोलोगे, कूलम्ब फोर्स, तो इस तरह से आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हाँ, तो अभी बात करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की, बात करूंगा
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रोसेस। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना आपको 12th क्लास में भी काम में आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता क्या है कि जब बहुत सारी चीजों की वजह से किसी एक चीज पे कुछ चीज लगती है तो उसको रिजल्टेंट कितना होगा। मास्टर ने क्या बोला पता नहीं, तो बता रहा हूं। ये देखो मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, मान तो ये Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज एक सब चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी चार्ज की वजह से इस सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो आपको पता है फोर्स किसके ऊपर, वन के ऊपर, ये फोर्स किसके ऊपर, वन के ऊपर, फोर्स वन के ऊपर लगा कौन रहा है, टू F12 का वेक्टर पता है। फिर फोर्स किसके ऊपर, Q1 के ऊपर लगा कौन रहा है, Q3 दिख रही है, लगा रहा है Q3, फोर्स वन पे लगा रहा है, फिर फोर्स कौन लगा रहा है, फोर वाला चार्ज पता नहीं, फोर वाला चार्ज लग रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, फोर्स वन के ऊपर लगा रहा है, फोर मैं क्या था बताया था। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि उस वन चार्ज के ऊपर फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा, फिर सभी चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है उनका सबका वेक्टर सम, वेक्टर सम मतलब F12 का वेक्टर प्लस F13 का वेक्टर प्लस F14 का वेक्टर। अगर वहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, ऐसा करते 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 अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है मतलब Qn मिल गया, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा F1 के ऊपर किसके ऊपर, सबका सम सम कर होते होते F1n का वेक्टर होगा। अरे बात समझ में आ रही क्या, बस इतनी सी बात का खत्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं, व्हेन जब व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर क्या प्रेजेंट, देन टोटल चार्जेस या नेट चार्जेस बोल सकते हो, देन टोटल